गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो रखी है यार और उठ रखा हूँ मैं, सुबह के बज रहे हैं 6 और चलते हैं जिम पे। अब काम वगैरह कर लेते हैं, देख सकते हो यार तबीयत पहले से बेहतर है और खुशी तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडिया ने कल मैच जीत लिया और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हरा के फाइनल में जगह बना ली। आज देखते हैं यार कौन जीतता है और इंडिया से किसका फाइनल 19 तारीख को होता है। और पहले तो काम पे ध्यान देते हैं, काम स्टार्ट करते हैं आज बढ़िया और चलते हैं। देख लो सुबह ठीक ठाक लग रही है और ठंडी भी ठीक ठाक है, स्वेटर ले रखा हूँ, स्वेटर लेके अब पहन के चलता हूँ नीचे जिम में। तो भाई मिलते हैं, फिर बताते हैं आज की अपनी कहानी में आपको। हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं यार अपनी कहानी में। आज फिर से आपको कुछ नई चीज़ें बताऊंगा, इंटरेस्टेड चीज़ें होंगी वो। जैसे मैंने बताया था ना कि मेरे हेटर्स हैं कुछ, तो मेरे लिए वो यार सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मेरे मुझसे नफरत करने वाले भी हैं, क्योंकि आप कुछ अच्छा करोगे तो आपसे नफरत लोग करेंगे, जाहिर सी बात है। तो मेरे एक भैया हैं आलोक भैया, तो उन्होंने मुझसे समझाया कि ये सब चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, आप पहले अपनी लाइफ में तरक्की करो फिर जाके। ठीक है यार, उनको तब भी मत शो करो, वो नफरत करेंगे तो आप और अच्छा करोगे, वो आपकी बुराई करेंगे तो आपको अपनी कमियां पता चलेंगी। तो यार मेरे गार्जियन हैं, मुझे अच्छा ही बताएंगे। तो उनका भी ब्लॉग है यार, ब्लॉगिंग चैनल है आलोक गार्डनिंग टिप्स करके, जो कि काफ़ी अच्छा हो है उनका, 1,00,000+ सब्सक्राइबर हैं। तो आप लोग भी भाई वीडियो देख रहे हो तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार आप सब। तो भाई मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा, नाम नहीं लूंगा, बाकी यार मुझे अच्छा है कि मेरे लाइफ के वो पार्ट हैं, मुझे चीज़ें सीखने में मदद करते हैं। तो लव यू, अपने हेटर्स को मैं प्यार करता हूँ यार, मैं अपनों को तो प्यार ही करता ही हूँ और जो मेरे हेटर्स हैं उनसे और ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी यार। मैं जब इंटर में था, 11th 10th पास करके 11th में आया, तो मैं 10th तक इतनी बदमाशी करता था। मैं गांव में रह के पढ़ाई करता था तो डेली एक कंप्लेंट जाती थी घर पे, क्योंकि क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट को लेके इतना ज़्यादा जुनून था कि मैं ग्राउंड पे ही किसी न किसी से लड़ाई कर लेता था। कुछ कोई गलत बोलता था, मुझे गलत बोलता था सुन लेता था, लेकिन क्रिकेट को लेके गलत बोलता था या उसमें बेईमानी करता था मैं लड़ लेता था, ऐसा था। एक बार मैंने अपने कजिन भाई है मेरा, उससे यार मतलब क्रिकेट को लेके इतना ज़्यादा जुनून था ना, उससे लड़ाई कर ली थी, हम दोनों ने आपस में बैट वैट चला के सर और फोड़ लिए थे, ऐसा ऐसा हो गया था यार। आज की डेट में सोचता हूँ यार तो थोड़ा शर्मिंदा होता हूँ कि नहीं करना चाहिए, तो भाई है मेरा वो भी, बाकी दोनों साथ में आज भी रहते हैं यार, बचपन का दिन था वो भूल चुका है और मैं थोड़ा शर्मिंदा रहता हूँ उस चीज़ को लेके। तो हुआ क्या कि यार 10th तक इतनी बदमाशी करता था, इतनी कंप्लेन आती थी स्कूल से, क्योंकि मैं क्लास बंक करके क्रिकेट खेलने भाग जाता था और जो है मेरे घर वाले वीडियो देख रहे होंगे यार तो मेरी सच्चाई सुनेंगे तो सोचेंगे, खैर कुछ हद तक जानते हैं, 10% जानते हैं, 90% नहीं जानते लोग भी, तो मैं अपने वीडियो के थ्रू बता ही देता हूँ अब। तो हुआ क्या कि मैं क्लास बंक करके यार क्रिकेट खेलने भाग जाता था, जाके क्रिकेट खेलता था पीछे ग्राउंड में, काफ़ी बार प्रिंसिपल सर ने पकड़ा था तो घर पे कंप्लेन आती थी कि क्रिकेट खेलते हैं ये वो है ऐसा है वैसा है, क्लास बंक करते हैं, सारी चीज़ें होती थी। तो 10th के बाद मुझे सुधारने के लिए हुआ क्या कि मेरे चाचा जी और पापा जी किए क्या, मेरे मामा जी हैं उनसे उन्होंने बात करी क्या किया था भाई इसको लेके, ये मतलब लेवल बढ़ाता जा रहा है बदमाशी का अपने, दिन प्रतिदिन इसके कंप्लेंट ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो लड़का हाथ से निकल ना जाए तो कुछ इसके बारे में सोचा जाए। तो मामा जी ने कहा कि मेरे यहाँ इसका एडमिशन करवा दो, तो उनके यहाँ मेरा एडमिशन होता है, तो फिर हुआ मेरा एडमिशन वहाँ पे हो जाता है 11th में जौनपुर में। धीरे धीरे मैं 11th 12th की पढ़ाई जब मेरी 11th चल ही रही होती है तो मैं सिर्फ कोचिंग जाता था, मैं क्लास करने नहीं जाता था। फिर मैं उसके बाद जौनपुर सिटी में शिफ्ट हो जाता हूँ, वहाँ अकेले रहता हूँ, सबसे बड़ी खूबी की बात वहाँ भी अकेले छोड़ दिया जाता हूँ हॉस्टल में। तो
मैं गया था इलाहाबाद, मेरे चाचा की पोस्टिंग थी इलाहाबाद में उस टाइम पे, तो उन्होंने, पापा भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना है तुम्हें लाइफ में, अब सोच लो क्योंकि 12th है, इसके बाद क्या करना है। तो मैं बोला कि यहाँ तक तो आवाज़ आ रही थी, बेटा आदित्य बोल दे क्रिकेट खेलना है, लेकिन वो दोनों लोग सामने बैठे थे तो आवाज़ अंदर चली जाती थी, यहाँ से फिर चलता था अगर बोल दिया तो पीटेगा। तो डर की वजह से, बहुत ज़्यादा डर था यार, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंप्लेन आ रखी थी, हमेशा पिटाई होती थी मेरी घर पे, और खूब अच्छे से, ऐसा नहीं कि एक दो थप्पड़ मार के छोड़ दिया जाऊँ, अच्छी वाली जो सर्विस होती है ना, वो सर्विस अच्छी वाली मिलती थी, और एनुअल तो मैं हफ्ते में 3 दिन होता ही था, तो ऐसा सीन था मेरा। तो उस वजह से डर बहुत भयानक भयानक वाला बना हुआ था, तो मैं बोल नहीं पाया यार कि मुझे क्रिकेट खेलना है। शायद बोलता तो लोग सपोर्ट करते, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते मेरा, शायद करते, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि वो लोग पढ़ाई को लेके काफ़ी ज़्यादा ही सीरियस होते हैं, आज तक हैं, जैसे तन्मय अभी पढ़ रहा है, तो पढ़ाई को लेके वो लोग सीरियस रहते थे हमेशा, कि यार चलो ठीक है पढ़ लिख लेगा, गवर्नमेंट जॉब पा जाएगा, सक्सेस हो जाएगा अपनी लाइफ में, कहीं सेटल्ड हो जाएगा, उनका एक ख्याल थे। तो और मेरा क्या था कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है अंदर से था, फिर भी मैंने वहाँ पे तो बोल दिया भाई कि नहीं मुझे पढ़ना है, डर की वजह से बोला था मैंने उस टाइम पे। अगर मेरे अंकल और आंटी जो भी इस ब्लॉग को देखेगा, या भाभी और लोग, भैया आप लोग देखेंगे, तो घर तक बात पहुँचाइएगा कि क्रिकेट खेलने का ही मन था, लेकिन नहीं हुआ वो चीज़, मैं डर की वजह से नहीं बोल पाया। और उसके बाद हुआ क्या यार, कि जब मैं जौनपुर मतलब जब मुझे जौनपुर में शिफ्ट हो गया, तो वहाँ पे मैंने दिमाग लगाया कि भाई आदित्य ऐसा करते हैं, कोचिंग तो सुबह 6 से 10 की थी कोचिंग डेली जाता था, क्योंकि मेरे जो अंकल हैं वो डेली पूछते थे क्या पढ़ा आज क्या पढ़ा, तो कोचिंग बंक नहीं कर सकता था, क्योंकि भाई जो पढ़ूंगा वही तो बताऊंगा कि क्या पढ़ा मैंने आज और उनकी वजह से उस टाइम पे मेरी पढ़ाई ठीक ठाक चलने लगी थी एक रिदम में, जो पहले मैं सिर्फ पास होने भर का पढ़ता था, तब मैं पढ़ता था कि पास होने से ज़्यादा मार्क मिले मुझे, ऐसा था, तो इसलिए जब तक पास होने भर का पढ़ता था तब तक के मार्क ठीक ठाक हैं यार, और जब पढ़ने लगा तो ठीक ठाक मार्क्स आए थे मेरे, 12th में 72% आए, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी मेरे ऑल ओवर 81% बने हैं, जो कि काफ़ी हाई था, तो पढ़ने लगा था यार। तो हुआ क्या कि बताता हूँ मैं, पहले मुद्दे की बात पे चलते, पढ़ाई की बात छोड़े यार। तो हुआ क्या कि जब मैं वहाँ पे पढ़ रहा था ना, तो हुआ ऐसा कि मैं क्रिकेट तो भाई छोड़ नहीं सकता था, कोचिंग भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अंकल पूछते थे उसके बारे में, तो मैं करता ऐसे था जैसे 6 से 10 पढ़ के आ जाता था कोचिंग, दिन भर अपने रूम में खाना वाना खा के अपने रूम में पढ़ा रहता था, शाम को कुछ भैया थे जो TD कॉलेज से ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे थे, या BSc MSc वगैरह वाले थे, ये लोग थे, और कुछ दोस्त भी उसमें बन गए थे ठीक ठाक, कुछ दोस्त भी थे, तो सारे लोग क्रिकेट खेलते थे, तो जब भैया लोग आते थे तभी खेलते थे, और जो मेरे मेरे बैच के थे वो सारे के सारे थोड़ा पहले आ जाते थे, वो तो होते थे कोचिंग वोचिंग वाले जितने लड़के, तो प्राइवेट हॉस्टल था यार, तो कोचिंग वोचिंग वाले लड़के वहाँ पे पहले से होते थे। तो मैंने क्या कि कुछ पैसे बचाए पहले मैंने, तो मैंने उस टाइम पे 1100 रुपये का, 1100 या 1200 रुपये का बैट लिया था, मार्क का बैट था, बहुत मतलब नाम सुन के मार्क का बैट है, मार्क का बैट है, तो ऐसे नाम चलता था, तो मैंने उसका बैट लिया था जा करके, और काफ़ी हल्का बैट था, लेदर बैट लिया था, तो मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी, उन लोगों से बोलता था, मतलब अपने दोस्तों को लेके जाता था, तो पहले होता था यार जिसका बल्ला वही उसी की बैटिंग, तो मैं ज़्यादा खेलता था, मैं बोल देता था भाई मुझे 2-4 ओवर एक्स्ट्रा खेलने हैं, तो मैं 2-4 ओवर एक्स्ट्रा खेलता था, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे धीरे धीरे मेरी प्रैक्टिस होती रही, कंटिन्यू चलती रही। तो मैंने किया क्या, कुछ पैसे और बचाए, पैसे वैसे बचा के किट वगैरह खरीदी, किट में जैसे मैं इकट्ठे नहीं लिया था यार, क्योंकि घर पे बता नहीं सकता था, और घर पे बताता मुझे क्रिकेट किट लेने के लिए पैसे चाहिए तो देते नहीं,
उल्टा मार के दो थप्पड़ वापस बुला लेते, डर था इस बात का। तो मैंने पहले पैड खरीदा, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे चीज़ों करके, एक एक चीज़ें करके धीरे धीरे सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली। उसके बाद 300 रुपये लगते थे कोचिंग के, क्रिकेट की, जो कि उमानाथ स्टेडियम में होता था। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ पे गया, महीने के 300 रुपये जमा किया। वहाँ पे जाता तो वहाँ पे तो था, तुम्हें बैट्समैन हो तो भाई नंबर लगते थे हर एक बंदे के, चलो एक एक ओवर बैटिंग के नेट प्रैक्टिस पे। वहाँ पे तब मैं दबा के खूब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, खींच के प्रैक्टिस करता था, और फिर शाम में आके सबके साथ खेलता भी था, डेली खेलता था। तो मेरा रूटीन अच्छा खासा बन गया क्रिकेट का। तो मैं अपने घर आया हुआ था, ठंडी का टाइम था उस टाइम, उस समय टूर्नामेंट चल रहे थे। तो मैंने एक दो मैच ऐसे लोकल टीम जो मेरी थी उसके साथ, लड़के जो लोकल लड़के थे हमारे गाँव के बगल वगल के, तो इकट्ठे करके इनके साथ खेला। तो लोग देखे भाई बैटिंग वैटिंग करते हुए, अच्छा खासा नाम होने लगा कि यार ये लड़का तो ठीक खेलता है। तो मेरे गांव की जो मेन टीम थी उसमें मुझे बोला गया चलो खेलने, तो गया था खेलने यार। तो वहाँ से ट्रॉफी वगैरह लेके आया था, वो चीज़ें मुझे आज भी याद है, जो कि घर पे लेके गया था, मुझे सब लोग डांट पड़ी थी, काफ़ी डांट पड़ी थी। फिर वहाँ से फिर मैं चला गया जौनपुर। वहाँ से यार फिर भी पापा बोले कि ऐसा करो तुम इलाहाबाद चले जाओ, मुझे पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेज दिया जाता है। तो मैं मतलब इलाहाबाद जाता हूँ। फिर चीज़ें कंटिन्यू रखना चाहा मैंने, मैं सोचा क्रिकेट तो खेलूँगा, मुझे क्रिकेटर ही बनना था, ऐसा मेरे अंदर था। लेकिन इलाहाबाद गया यार, तो वहाँ से पहले तो खेला, कुछ दिन खेला वहाँ पे भी, मैं एक दो जगह बाहर खेलने गया हूँ जहाँ से मुझे कुछ ट्रॉफी और टी शर्ट्स वगैरह मिली थी, मैं घर पे ला के रखा भी था, तो घर पे लोगों को पता चल गया था धीरे धीरे कि ये क्रिकेट खेलता है बाहर जाके। तो उसके बाद हुआ क्या यार, कि मेरी जो संगत थी ना, मेरे जो साथ के लोग बनते गए, उस लाइन से बिल्कुल हटके बनते गए मेरे। तब वही है ना, पैर जमीन से फिसलते गए और मैं हवाबाजी करने लगा। मतलब अगर मैं वही करता रहता शायद बाद में चल के मेरे घर वाले सपोर्ट करते, जब देखते मैं अच्छा कर रहा हूँ कंटिन्यू ना, वो कर देते यार। लेकिन मेरा ट्रैक धीरे 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 कब चेंज होता गया, मुझे मुझे तो पता है कब चेंज हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें पता है। तो मेरा धीरे धीरे ट्रैक चेंज होता गया, मैं भाई अपने दोस्तों का मतलब सर्कल काफ़ी बड़ा हो गया, दोस्ती बढ़ गई, ऐसे वैसे खूब बदमाशी उदमाशी वहाँ भी शुरू कर दी है, पहले भी करता तो वहाँ भी करने लगा। लड़ाई झगड़े हमेशा, यूनिवर्सिटी में लड़ाई झगड़े, हॉस्टल में था तो दूसरे हॉस्टल वालों से हो जाना, ऐसे ऐसे भाई होते रहे होते रहे, खूब बदमाशी करी हमने। 2020 कब आ गया ऐसे, उसके बाद बीच में हुआ यार जब डांट वट पड़ी घर से कि क्रिकेट खेलते हो ये है वो है, खूब डांट पड़ी थी। तो फिर मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, ठीक है निकाल दिया दिमाग से, अब तो खेल नहीं पाऊँगा, नहीं खेलना है। तो उसको सोने में बिताने लगा दोपहर, मतलब रूटीन एकदम गंदा, सुबह 6 बजे से दोपहर तक सोना। फिर एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ लेता था कि यार अगर एग्ज़ाम दूंगा तो नंबर कम आएंगे, घर वाले बोलेंगे, तब तो पढ़ता था, बाकी ऐसे ही बिताता गया बिताता गया। पढ़ता था थोड़ा बहुत पढ़ता था, जो चीज़ें मुझे लग के करनी चाहिए थी मुझे, मैंने लग के उसको मेहनत से नहीं करी, इसीलिए मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद हुआ। और मैंने उस टाइम पे दोनों नाव पे पैर रखे, क्रिकेट भी खेलना है, घर वालों को मतलब जो अपनी कमिटमेंट मैंने कर रखी थी पढ़ना है उसको पूरा करने के लिए पढ़ने भी हैं, तो वैसे चल रहा था यार। दोनों नाव पे पैर रखना मतलब समझते हो, बीच नदी में जाके गिरना है नदी में ही, तो ऐसे हुआ। फिर दोनों चीज़ें नहीं कर पाया मैं, एक अच्छा वाला फेलियर दोनों में साबित हुआ। तो आगे चल के यार हुआ क्या, जब मुझे 2020 तक समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लगा पैसा कमाना बड़ा आसान है, उसके बाद लग पैसा कमाने की वो आई,
और लगा बड़ा आसान है, क्योंकि जो साथ के लोग थे ना तो वो लोग भी वैसा ही बातें करते थे, हाँ यार कमा लेंगे। सर्कल ही वैसा ही था मेरा कि हवाबाजी खूब थी, खूब हवाबाजी थी हम लोगों में कि पैसा तो आसानी से कमा लेंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ऐसे आ जाएगा पैसा, यहाँ से आ जाएगा। लेकिन कहीं से नहीं आता था, सिर्फ 2 साल, 1 साल 1.5 साल तक प्लान बनते गए। तो 1-1.5 साल प्लान बना, फिर जो है यार मैं बताया था ना कि कुछ ऐसी घर में घटना हो गई तो मैं घर पे रुका। उसके बाद से मेरे अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हुए, जब मैंने अपने मुझे रियलाइज तब हुआ जिंदगी के बारे में, असली जिंदगी जब क्या है इसके बारे में रियलाइज तब हुआ जब मैं 8 महीने अपने परिवार के साथ गुजारता हूँ, मैं अपने घर वालों के साथ रहता हूँ। पापा थे, दादी थी, चाचा चाची, छोटा भाई तन्मय, ये लोग, चाचा चाची तन्मय तो आते जाते रहते थे बराबर, लेकिन पापा और दादी जब देखता था, पापा के चेहरे को देखता था, तो रियलाइज़ होने लगा कि यार कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी ये लोग उठा रहे थे अभी तक, चाचा और पापा। और पापा के चेहरे पे हमेशा ऐसी सिकन होती थी कि ये क्या करेगा कैसे, मतलब मेरे फ्यूचर को लेके उनको हमेशा टेंशन होती थी, चाचा को बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। मतलब यार मेरे चाचा क्या ही बताऊँगा कैसे, हम मेरे चाचा बहुत, मतलब आज की डेट में वैसा भाई किसी को नहीं मिलने वाला, पापा और चाचा जैसे दो भाई हैं ना वैसा कोई नहीं होने वाला यार, मुझे जहाँ तक लगता है। आज तक दोनों में मैंने अपनी 25 साल की एज में मैंने बहस होते देखी ही नहीं है, मुझे नहीं याद कि कभी उनमें बहस भी हुई है। तो मैं जब अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताता हूँ 8 महीने, उस टाइम पे मैं बीमार भी रहता हूँ, तो सिर्फ सपोर्ट करने वाला ना यार मेरी फैमिली ही थी मुझे उस टाइम पे। तो दोस्तों के धीरे धीरे कॉल आने कम हो जाते हैं, कुछ दोस्त बिछड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भाई नहीं रह गया उनका टाइम पास, क्योंकि वो दोस्त नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास थे, मेरे लिए भी उनके लिए मैं भी ऐसा ही मुझे अब लगता है। तो जो दोस्त रियल फ्रेंड थे ना अभी भी हैं, वो लाइफ में हैं, अच्छा बताते हैं, अच्छा सिखाते हैं, और हम सब मतलब हैं गिनती के हैं 2-3, तो उनको रखा हूँ और हमेशा ज़िंदगी में वो रहेंगे भी। तो यार मेरे चाचा बहुत बहुत ही अच्छे हैं। तो जब देखा पापा के चेहरे पे सिकन देखा और खुद की ज़रूरतें देखा, क्योंकि जब तक मैं इलाहाबाद था बहुत आसानी से ज़रूरतें मेरी पूरी हो जाती थी, चाचा पैसे दे देते दे थे, मम्मी से ले लेता था, दादी से ले लेता था, पापा से यार डर की वजह से कभी पैसे मांगा ही नहीं। तो ज़रूरतें आराम से पूरी होती रही, घर पे था, अब घर पे रहता हूँ भाई क्यों पैसे लोगे, खाने को आराम से मिल रहा है, सब कुछ आराम से मिल रहा है, रहने को मिल, तब भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। और लेकिन जब रियलाइज़ हुआ ना कि यार नहीं, अब मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए, अपने लिए कुछ करना चाहिए, अगर मैं अपने लिए कुछ करूँगा तो मैं अपनी फैमिली को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाऊँगा, जो कि यार आज की डेट में जो है, जो जैसे बॉडी में स्पाइन होता है ना यार, वो काम मेरे चाचा कर रहे हैं फैमिली के लिए, स्पाइन का काम, बाकी तो सारे ऑर्गन्स हैं जैसे हाथ पैर सारे सारे हैं, तो स्पाइन का काम अभी तक वो निभाते आए थे। यार मैं सोच रहा तब उस टाइम पे सोचा कि क्यों ना यार चाचा के साथ, मतलब खुद के लिए कुछ करूं और चाचा के साथ खड़ा हूं और कुछ अच्छा बन के, मतलब कुछ अच्छा करके दिखाऊं यार। तो चीज़ें आई, मैं करता गया करता गया, बड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है मैंने, और अभी क्या ही किया यार, 2 साल में, 2 साल से कर ही रहा हूँ स्ट्रगल, अभी लाइफ में स्ट्रगल चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, लेकिन अब मज़ा आ रहा है, अब वो स्ट्रगल जो है मज़ा दे रहा है। पहले तो लगता था यार क्या कर रहा हूँ, कैसे होगा सब कुछ ठीक, लेकिन जब धीरे धीरे वही है ना, भगवान बहुत बहुत कुछ चीज़ें छीन लेते थे यार, कुछ ना कुछ तो देते ही हैं, जब भी समझ में आया तभी सही, ये अच्छा है कि टाइम रहते हुए समझ में आ गया। तो अब जो चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं शेयर करूँगा, वो सब बातें भी शेयर करूँगा, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, पहले सक्सेस हो जाऊँ फिर बताऊँगा। तो धीरे धीरे ठीक हो रही है यार,
आज की डेट, एक उस टाइम पे जब चाचा को कॉल आता था ना कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो कहीं ना कहीं झूठ बोलता था कि ये चीज़ें मैंने पढ़ी है डेली, ये की चीज़ रीजनिंग पढ़ी, मैथ पढ़ी, ये पढ़ा वो पढ़ा, और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बता देता था। तो वो सब वही चीज़ें रिपीट होती गई। उनको भी पता था कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन फिर भी भरोसा मुझ पे ज़्यादा था। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इसको समझ में शायद आ जाए, ये पढ़ लेगा कुछ, कहीं सेटल्ड हो जाएगा यार। और उनका चाचा आज तक बोलते हैं कि, उस टाइम पे भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं कि पढ़ने का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब पाओ, पढ़ने का मतलब ये है कि आप एक अच्छे इंसान बनो पढ़ लिख करके, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान यार समझदार होता है, अच्छा इंसान होता है, उसके अंदर इंसानियत आती है, साक्षर व्यक्ति बनाना चाहते थे, साक्षरता आपके अंदर होनी चाहिए, ऐसा उनका वर्ड होता था। तो पढ़ा लिखा इंसान बनाना चाहते थे मुझे, तो वो चीज़ें पढ़ी मैंने, तो उतनी तो पढ़ाई करी कि जिससे इंसानियत रहे यार और इंसान बन सकूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद भी होती है कि यार एक जॉब मिल जाएगी उसी में, तो मैं उसके लिए नहीं पढ़ा भाई, लिटरली बता रहा हूँ, मैं उसके लिए मेहनत नहीं करी मैंने जितनी करनी चाहिए थी, शायद नहीं करी। उसका सिर्फ 10% करा है, 90% मैंने नहीं किया है। मैं झूठ आज की डेट में अब तो खैर नहीं बोलूँगा, क्योंकि यार अब जो है मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ ना, बहुत खुश होते हैं वो, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो अब तो झूठ नहीं बोलूँगा, उस टाइम तक तो बहुत झूठ बोल लिया मैंने घर वालों से, क्योंकि अब मेरे घर वाले यार, पहले ऐसे ही था मैं, घर में कहने पे चाय नहीं बनती थी मेरे, आज की डेट में पूछते हैं कि ये चीज़ें करनी है क्या किया था, तो अच्छा लगता है यार, फील होता है कि हाँ यार मैं परिवार का एक हिस्सा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ अच्छा किया, बहुत मेहनत करी उसके लिए। मैंने उनको बताया नहीं कि मैं परिवार का हिस्सा हूँ, मैंने वो चीज़ें करी है, उनको दिखना स्टार्ट हुआ तो उन्होंने मेरी राय लेनी, मेरा जो राय लेना जरूरी समझा, तो आज लेते हैं, मुझसे भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो मुझे यार ये लगता है कि यार मेरे पापा मेरे चाचा मुझसे पूछ रहे हैं, चलो यार कम से कम मैं इस लायक तो हो रहा हूँ धीरे धीरे, तो अच्छा लगता है भाई, लिटरली बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी इस चीज़ को करोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। तो यार बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, फिर आगे की ब्लॉग में बताएंगे आप लोगों को सारी चीज़ें। तो मैंने क्रिकेट छोड़ा, पढ़ाई फिर छोड़ी, फिर जाके जब ये सब स्टार्ट किया, जॉब करी धीरे धीरे, जॉब दिल्ली आया, फिर यहाँ पर जॉब करी, धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंजेस आते रहे, और फिर कुछ अच्छा हुआ ज़िंदगी में, तो धीरे धीरे सब अच्छा ही हो रहा है यार, भगवान करेंगे सब अच्छा हो जाएगा। और यार सबसे बड़ी खूबी मैं बता रहा था ना कि चाचा और पापा की तरफ मैं भाई नहीं देखा यार, आज की डेट में पापा चाचा को डांटते हैं, चाचा सुन लेते हैं, और दूसरा कोई होगा यार, सोचो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है इंसान, और फैमिली मतलब फैमिली में पिलर का काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से, फिर भी कहीं ना कहीं बाबा के और दादी के संस्कार भी हैं ये सब, और वही संस्कार वो लोग हमें भी दिए हैं भाई। मैं हमेशा पूरी ज़िंदगी यही चाहूँगा, चाहूँगा नहीं करूँगा, गलत वर्ड बोल रहा, चाहूँगा मैं पूरी ज़िंदगी यही करूँगा कि मेरा परिवार एक रहे, उसके लिए मुझे झुक के रहना पड़ेगा, मैं झुकूँगा। और यार अपनों से झुकना कोई गलत बात नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है। तो पापा आज की डेट में भी चाचा को डांट देते हैं, बोल देते हैं, चाचा सुन लेते हैं, और यार कहीं ना कहीं मेरे चाचा चाची पापा दादी मेरा भाई तन्मय, ये लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं यार, और मैं भी उससे कहीं ज़्यादा उनको भी मैं भी प्यार करता हूँ। मैं इतनी दूर रहता हूँ, मिस करता हूँ यार उन लोगों को, दीपावली पे नहीं जा पाया, मिस कर रहा था, भाई मेरा एकदम वो हो रखा था, मुझसे गुस्सा रखा था कि आप आ नहीं रहे हो, ये है वो है, छोटा है यार काफ़ी प्यारा है। तो वही चीज़ है ना यार कि फैमिली को चलाने के लिए आपको हमेशा अपने अंदर, आपको अपने अंदर शालीनता लानी पड़ेगी, विनम्रता होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। वो चीज़ें चाचा में है, पापा में है, मेरी चाची बड़ी अच्छी है उनके अंदर है, तो चीज़ें यार धीरे धीरे सारी चीज़ें सुधर रही हैं। थोड़ा इमोशनल होके मैं ट्रैक से चेंज होता गया यार वीडियो में, तो
वही बातें फिर से कहूँगा कि मैंने अपनी लाइफ अपना डिसीज़न मेरे ऊपर छोड़ा गया था, मैंने सही डिसीज़न नहीं लिया। कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो मिडिल क्लास के लड़कों पे यार, लड़के या लड़कियों पे बहुत ज़्यादा डर होता है उनको, पापा मम्मी का, परिवार वालों का। मुझे पापा और चाचा का बहुत ज़्यादा डर था, जिसकी वजह से मैंने अपना सही डिसीज़न नहीं लिया। खैर कोई नहीं, डिसीज़न सही नहीं लिया तो यार वो साल ख़राब गए, मुझे भी पता है, मेरे घर वालों को भी पता है, मेरे जानने वालों को भी पता है, मेरे रिलेटिव्स को भी पता है। बाकी अभी टाइम रहते मैं समझ गया, सुधर गया, खुद में सुधार ला रहा हूँ, ये अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है आज की डेट में। पहले मैं यार सोचता था फ़ोन कितनी जल्दी कट जाए, क्या ही बात करता यार, क्योंकि मैं गलत था उस टाइम पे। और आज की डेट में मैं यार अच्छा कर रहा हूँ, मेरे घर वाले खुश हैं, मेरे अपने खुश हैं, मैं सब उनसे बात करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा टाइम तक बात करना चाहता हूँ, बेशक मेरे पास टाइम कम है लेकिन ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ। उस टाइम टाइम ज़्यादा थे तो टाइम कम देना चाहता था, पूरी ज़िंदगी उल्टी सीधी हो रखी। और फील अच्छा, फीलिंग अच्छी है यार ये वाली, आज की डेट वाली, की चलो कम से कम बात करते टाइम झूठ तो नहीं बोलता कि उनसे कि ये चीज़ कर रहा हूँ मैं। बाकी चलते हैं यार, मैं भी थोड़ा बहुत एक आध लेक्चर देखनी है मुझे, तो देख के सोऊंगा यार, सुबह जल्दी उठना होता है आप सबको भी पता है। तो चलते हैं, बताएंगे अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में अगले पार्ट में। और भाई प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जो भी सही लगे आप लोगों को, सब सारा कुछ आपके हाथ में कर दो प्लीज़ यार। और मुझे मोटिवेट करने वाले यूट्यूब के लिए दो इंसान हैं, एक मेरी भाभी हैं नेहा लखनऊ ब्लॉगर, और मेरे भैया, एक मेरे भैया हैं बुआ के लड़के, आलोक गार्डनिंग टिप्स करके उनका यूट्यूब चैनल है, तो आलोक भैया हैं। ये दोनों लोग मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं और ये समझाते भी हैं। और हाँ यार, मेरे मतलब पढ़ाई के टाइम में आलोक भैया का भी बड़ा रोल रहा है, वो भी मुझे बहुत समझाते थे कि भाई ये सब चीज़ें सही नहीं है, ये सब चीज़ें छोड़ो, ये करो अच्छा है। लेकिन कहाँ समझ में आता था यार, किसी की बात नहीं समझ में आ रही थी उस टाइम पे। तो खैर आज की डेट में सब मेरे जो जो ये लोग हैं ना, जब मैं कुछ अच्छा कर जाऊंगा यार ना, अभी तो स्ट्रगल चल रही है, स्ट्रगल फेस है, इसको मैं फेस कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ मैं, शायद डे बाई डे अच्छा कर रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में 1-2 साल लगेंगे अभी, उसमें शायद और अच्छा कर जाऊँगा, तो यही लोग बहुत खुश होंगे, भैया वगैरह जितने लोग हैं। तो यार सबको लव यू जिन्होंने मेरा साथ दिया अभी तक, और जो नफरत करने वालों को तो मैं बहुत सारा प्यार दूंगा यार, कोई नफरत उफरत नहीं करता यार, छोड़ो जाने दो, उनके बारे में कुछ बातें नहीं करनी, प्यार करने वाले सब मेरे।